में जो ईवीएस के क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी के, वो सभी यहाँ पर कवर होंगे और आप लोग सभी लोग इस क्लास में जुड़े रहिएगा। अब कोशिश करिए इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करने का और कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि सीटेट में एक चीज काफी महत्वपूर्ण है कि प्रश्न के साथ साथ उसकी व्याख्या के बारे में भी जानने का एक सवाल है कि विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका जरूरी होना चाहिए। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था और ये हमारा 71 क्वेश्चन है, यही शुरुआत करेंगे हम लोग। प्रतिदिन ईलर्निंग पे दुर्गेश पे सीरीज को पढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विद्यार्थियों को आपके सामने है कि पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका जरूरत होती है और किसका विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, विद्यार्थियों के बहिष्करण, अन्य शिक्षकों के समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन, आप लोगों ने जो इसका जवाब दिया है काफी सही है, काफी हद तक है। लेकिन इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कि करते समय क्या जरूरी होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो इसका मतलब आप सभी के जवाब पूरी तरह से यहाँ पर सही है। चलिए फिर से हम लोग आपके साथ कॉपी कलम लेकर बैठते हैं सीरीज के अंत तक, ताकि आप लोग अब की बार टेट पार की सीरीज में बेहतर कर सकें। अगला सवाल आपके सामने है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। बहुत ही आसान सवाल है, जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पे लाइव सेशन देख रहे होंगे सभी लोग जवाब दे लेंगे। वीडियो को फटाफट अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, हेमती नंदन, सुंदरलाल बहुगुड़ा, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुड़ा, अर्थात बी वालों के जवाब यहाँ पर आपके सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा कथन बहुरोड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। बहुरोड एक अध्यापक समय में एक से अधिक कक्षाओं को प्रबंध करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, विद्यार्थियों की आय योग्यता के आधार पर समान होना चाहिए। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी के जवाब आना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसे सवालों का जवाब आप सभी को देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि यहाँ पर है कि यहाँ पे बैठने की लचीली व्यवस्था, जैसे कि आपका ये कच्चा कक्षा है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं आगे तेज बच्चे होंगे, पीछे कमजोर होंगे, एकदम पीछे एकदम कमजोर होंगे, ऐसा नहीं है। कभी ये आगे बैठ जाए, कभी ये आगे बैठ जाए, कभी ये पीछे बैठ जाए, तो हमेशा ये नहीं करना है कभी किसी बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर, उनके रैंक के आधार पर, उनके बेंच का, उनके मार्क का, जो उनके बैठने का स्थान है उसका निर्धारण किया जाए। इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए, किसी भी ऐसे बच्चों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग इतना ध्यान दीजिएगा। तो बैठने की यहाँ पे लचीली व्यवस्था होगी, अर्थात सवाल का जो सही उत्तर होगा वो है आपका बी। और अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिए हैं, इसका जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है, बैठने की लचीली व्यवस्था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और, इसमें क्या है, प्रकार के साथ सहमति नहीं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कट करना चाहूंगा क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पर एक बात आप लोग को हमको भी देखना था और आप लोग को भी देखना था। सॉरी, यहाँ पर एक यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से, मैंने पूरा प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, यहाँ पर ये विकल्प तो सही है। कह रहा है विभिन्न कक्षाओं में लचीली व्यवस्था होनी चाहिए, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंध करता है, कह रहा है बहुरोड शिक्षा प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता, यहाँ पर नहीं रखता है, तो ये भी सही है। लेकिन विद्यार्थी आय योग्यता के आधार पर समान होना, तो यहाँ पे ये जानते हैं कि ये यहाँ पे यही गलत है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे डी होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डी होगा। डी किस लिए होगा, यहाँ पे पूछा कौन सी सहमति नहीं है, तो विद्यार्थियों की आयु योग्यता के आधार पर समान होना। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चा, जितने भी बच्चे हमारे क्लास में हो, एक समान नहीं होते। कोई कमजोर बच्चा होता है, कोई और तेज होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, तो हमारे यहाँ कई तरह के बच्चे होते हैं, उनका अलग अलग आईक्यू लेवल होता है। तो यहाँ पर हम लोग एकदम साफ स्पष्ट कह सकते हैं कि गलत कथन कौन सा, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि कौन सी सहमति नहीं रखता, तो यहाँ पर बी सहमति रखता है। और विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा अंतःक्रिया होनी चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर डी होगा, बी सही है, मतलब गलत कथन पूछा है, यहाँ गलत क्या होगा, आपका डी होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप विकल्प में इसका डी का चयन करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया क्या है। सीखने की जो उपयुक्त प्रक्रिया है वो क्या है, सरल से कठिन की ओर, बहुक्रिया का नियम, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, रटने का नियम। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब देंगे। देखिए, रटने का नियम तो होगा नहीं, लेकिन यह पूछा सबसे उपयुक्त नियम क्या होगा, तो सरल से कठिन की तरफ जाना, अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगर आपने भी इस सवाल का उत्तर ए जवाब दिया है, आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है।
इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अधिगम का मुख्य चालक क्या है? अध्यापक, शिक्षण विधि, अभिप्रेरणा, पाठ्य पुस्तक। देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेशर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, जहाँ पे आपको सभी क्लास निःशुल्क देशित में राष्ट्रित मिलेंगी, सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, हर क्लास की सूचना मिल जाएगी आपके लिए। जल्दी टेट की जो मास्टर वीडियो सीरीज है वो आपके लिए आ रही है, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में सारे सेशन को कंप्लीट करने का, सभी शिक्षण सामग्री उनको पढ़ने का। लेकिन उसके लिए आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग ससमय क्लास में जुड़िएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, अधिगम का मुख्य चालक क्या है? 75 आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर क्या होगा? अध्यापक, शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तक, यहाँ पे क्या होगा? अभिप्रेरणा। यहाँ पे सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया, जैसे अगर कोई कहा जाए पढ़ने में तेज है, बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे नहीं आप गधे हैं, आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप टेट नहीं पास कर पाएंगे, आप कल से सरकारी शिक्षक बनेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा। अर्थात यहाँ पर क्या है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत होगा यहाँ पर। जी हाँ, स्वाति जी ने इसका सही जवाब दिया, एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रेरणा का, रुचि का, बुद्धि का, शरीर की संरचना का। 76 नंबर सवाल का जवाब सभी लोग देंगे, ये शिक्षण है पूरी तरह से, तो याद रखिएगा। शरीर की रचना का प्रभाव नहीं पड़ता, और बुद्धि का, रुचि का, प्रेरणा का। तो यहाँ पर देखा जाए कि बालों को सीखने में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का, जैसा कभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए। अगर आपने भी सवाल का उत्तर ए बताया है, आपके जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक, मतलब मोटिवेशन। अगला है, कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया अल्बर्ट नामक बंदर पर, अल्बर्ट नामक चिंपैंजी पर, सुल्ताना नामक बंदर पर, सुल्ताना नामक चिंपैंजी पर। आप लोगों ने अगर सीडीपी पढ़ी होगी, और सीडीपी की आपके बेसा का पर्यावरण शिक्षण पढ़ रहा है, लेकिन सीडीपी का पार्ट है, सीडीपी का हिस्सा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को एकदम बताइएगा कि क्या होगा। सुल्तान नाम सही है, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से इसका विकल्प क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा, सुल्तान नामक चिंपैंजी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे आया है रुचि का, तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जिस पर रुचि नहीं है तो अभी मोटिवेशन के हिसाब से उनके अंदर भी रुचि पैदा की जा सकती है। अगला है सवाल कि बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न में नहीं है, क्योंकि प्राय क्या होता है ध्यान से नहीं पढ़ते, तो विकल्पों का चयन भी हमें गलती हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा कि विद्यार्थी समुदाय को जोड़ना, ये सही है। प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, ये भी सही है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना, ये भी सही है। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाने, ये गलत है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, माने बाल विकास के शैक्षिक निर्धारण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर डी माने जो गलत है वही सही, यहाँ पर नकारात्मक विकल्प है। और अगर आपने इस विकल्प को नहीं पूरा पढ़ा, नहीं समझा, तो आप सभी से यहाँ पे गलती हो जाएगी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने है आपके डिस्प्ले पर। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सपाटी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके लिए उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प क्या? ए और डी, ए बी डी, ए बी सी, बी सी। तो यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सवाल को पढ़ रहे हैं, इसका जवाब जरूर देंगे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन बच्चे शिल्पकला चित्रकला समूह सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। जब बच्चे मिलकर करते हो, सकता है किसी को नहीं आ रहा, तो बगल वाले को देखकर क्या करता है, उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। जब बच्चों में सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो खुश होते हैं, उनके लिए प्रेरित होते हैं। यह कक्षा अनुशासन बढ़ाता है, जी नहीं। आपको यह जानना होगा कि बच्चों को कक्षा अनुशासित नहीं रखना, माने ए बी सी सही है, माने ए बी सी। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी सही है, ए बी सी। बच्चों को अनुशासित नहीं रखना है, बच्चे अपनी अभिव्यक्ति रख सके, बच्चे आपके क्लास में बोल सके, यह आप लोग को हमेशा ध्यान देना है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र? सीखने का क्षेत्र है अनुभाविक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक। जी हाँ, सीखने का क्षेत्र क्या है? अगर हम बात करें निम्नलिखित में कौन सीखने का क्षेत्र, तो अनुभाविक। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में का ध्यान रखता है, किसके सिवाय? सिवाय का मतलब ध्यान दीजिएगा नहीं, यहाँ पे इस प्रश्न का मतलब समझिएगा नहीं, अथवा नकारात्मक। विद्यार्थियों की अधिगम शैली, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां। तो विद्यार्थियों की अधिगम शैली का,
विद्यार्थियों की क्षमता का, त्रुटियों का, लेकिन उनकी आवश्यकता का नहीं। अर्थात इस सवाल का जवाब सी गलत है, और जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही होगा, कि यहाँ भी यही छांटना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अगला है, कौन सा निम्न सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो सभी लोग फटाफट इस प्रश्नों के जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बैसी का जवाब सभी लोग देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रतिदिन आप लोग टाइम से क्लास में जुड़ जाया करिए, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। देखिए यहाँ पर ये तो आपका गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा बाह्य कारक। आपका बी और डी में सबसे सही क्या होगा? जी हाँ, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये क्या अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, हमारे अंदर जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, और असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा भी सही है। ठीक है, लेकिन असफलता होने के बाद भी हमें अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस सही नहीं है। उस दशा में इस प्रश्न का उत्तर डी को सही चयन करने का, वरना आपका ये सही हो सकता था। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सवाल आपके सामने, शिक्षण के से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में अपनाकर, रटने की को प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकें अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो यहां पर रटने की को प्रोत्साहित करके तो आपको गलत हो गया। सभी लोग जवाब दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या होगा? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए। अगर आपने भी इन सवालों के जवाब ए दिए हैं, तो इसका मतलब आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ मिलकर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 84 का सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, अर्थात सवाल का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसकी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश है, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बताइए, देखिए शिक्षार्थी माने बच्चों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका सी होगा। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक और अगले सवाल की तरफ। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। बताइए प्रश्न नंबर 86 आप सभी के हिसाब से क्या होगा? देखिए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा लिखित व्यवहार प्रदर्शित करे। देखिए आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी की नोट्स अगर आप सभी को चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पे ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहां पे 6 से 12 तक की हिंदी और अंग्रेजी में सभी मीडियम के नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा लिखित में व्यवहार प्रदर्शित करता है। 88 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, अत्र सक्रियता हो, बहुत बात करता हो, पढ़ाई पूर्ण आक्रामक व्यवहार हो, तब
आप उसे पहचान सकते हैं कि बच्चा तनाव ग्रस्त है, तभी तो पहचान कर सकती हैं। अगला है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 89 सवाल का सभी लोग जवाब देंगे। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। यहाँ पर होगा कि बी, पुनर्बलन सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, अर्थात सवाल का सही विकल्प जो है वो बी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये आज का आखिरी सवाल है और इसके बाद हम लोग, क्योंकि आप लोग संख्या बल बढ़ाइए, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन बैंक भी बढ़ाएंगे। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाना जाता है, यह विद्यार्थियों में क्या सहायता करेगा। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों में के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। मैं बार बार कहूँगा, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़े रहिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा और कल से क्लास में एकदम टाइम से रहिए। क्लास के टाइम में आप लोग को पता है ना, तो टाइम में एकदम लाइव रहिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ना, यह आपका होगा एनसीएफ 2005 के आधार पर। एनसीएफ 2005 के आधार पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका विकल्प बी होगा। अगर आप सभी निजाते लोगों ने सवाल का उत्तर बी दिया है, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, तो आप सबका जवाब पूरी तरह से सही है। आज का ये सवाल है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और उन्हें अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं, उपागम किस पर आधारित है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ऑनलाइन क्लास और नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में चलते हैं। सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं और बार बार कहूँगा कि ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो है आपकी वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर आपकी चलती है। और आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपना बेहतर देते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आप सभी का थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कमेंट करिएगा, इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। और क्योंकि इसी सवाल के साथ अगले सेशन में हम आपकी शुरुआत करेंगे, इसी समय फिर हम मिलते हैं अगले दिन लाइव और अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।